करता हूँ आराम से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, ऐसे करके मैं तो बैठ पाता हूँ आराम से, काफी देर तो बैठ सकता हूँ, इवन मैं आधे घंटे तक बैठ सकता हूँ, ठीक है? आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों में कोई दर्द नहीं है, यहाँ पर भी कोई दर्द नहीं है, मेरे को एकदम मुझे जो है कष्ट रूप में पूरी तरह से बैठ पा रहा हूँ। सो ललित जी, जब आपको ये एवास्कुलर नेटवर्क्सस डायग्नोज हुआ था, उस टाइम पर क्या आपने सोचा था, क्या आपके दिमाग में आया था? मेरे दिमाग में मैडम पहले सबसे पहले ये बात आई थी कि मैंने जो है तो वहीं पर जो है मतलब एक दो डॉक्टर्स को दिखाया था आगरा में, तो वो डॉक्टर्स उसके बारे में पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि क्या है, कभी कोई एक्सरे करवाता था, कोई अल्ट्रासाउंड करवाता था। कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था? मेरे को जो है एक साल हो गई, लास्ट नवंबर में ही मैंने जो है वो करवाई थी, जो है MRI कराई थी, उससे MRI से पहले ही मुझे काफ़ी दिन से प्रॉब्लम थी, काफी दिन से प्रॉब्लम थी, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। नवंबर में ही एक ये कोई डॉक्टर थे आगरा में, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पहले आप MRI करा के लाइए, मुझे कुछ लग रहा है, कुछ मतलब नई बीमारी है आप। तो मेरे को एकदम से बहुत डर लगा, पता नहीं क्या कौन सी नई बीमारी है, तो उन्होंने MRI देखते ही बताया, बोला कि आपके जो है हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपका जो है कूल्हे में प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से आपको जो है दिक्कत। क्या सजेस्ट किया उन्होंने फिर? उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, आप इनको लेते रहिए, और क्या है कि जो है सेकेंडरी स्टेज में था मेरा जब MRI हुई थी, तो सेकेंडरी स्टेज में उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और आप मेडिसिन लेते रहिए, इससे क्या है कि आपका मतलब जो है वो कंट्रोल मतलब ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि जितना है उतना बना रहेगा, और आप मूवमेंट जितना कर रहे हो उतना होता रहेगा। फिर आपने क्या सोचा? फिर भी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में बैठने का काम था, सिटिंग की वजह से ही मुझे हुआ ये इफेक्ट, फिर कंटिन्यूस सिटिंग रहती थी मेरी, 10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक कंटिन्यूस बैठना होता था जी। तो उस वजह से ही फिर भी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं क्या करूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है उनकी मेडिसिन भी चलाई मैंने 1-2 महीने चलाई, तो उसमें वही सब थी, कैल्शियम की टेबलेट थी, पैरासीटामोल वगैरह थी, जस्ट लाइक मतलब पेन किलर, तो उनका जब पेन किलर लेता था सुबह शाम तो ये लगता था हाँ कुछ ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पेन किलर बीच में कुछ दिन बंद करके देखी, तो मतलब फिर दोबारा से वही हो रहा था, चलने में दर्द हो रहा था, लिम्पिंग हो रही थी। तो फिर मैं एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे बैठे जो है मोबाइल में देख रहा था, यूट्यूब मैंने देखा, तो फिर मेरे को डॉक्टर साहब का पता चला, डॉक्टर अभिनाश सिंह चौहान, यूट्यूब में मैं ढूंढ रहा था जो है मतलब जो डाल के AVM डाल के, तो मतलब सर का वो हुआ, तो जो मेरे को दिखाई दिया, तो फिर मैंने कुछ 1-2 वीडियो देखी सर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मुझे पसंद आई, तो फिर मैंने मतलब जो है डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट किया, फ़ोन भी किया, फ़ोन करके मैंने डॉक्टर साहब से बताई, डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब बोले कि अपनी जो है उसकी रिपोर्ट भेजो MRI की, तो मैंने तो तुरंत मतलब जो है डॉक्टर साहब के नंबर पर MRI की रिपोर्ट भेजी अपनी जो है व्हाट्सअप पर, तो फिर मेरी मतलब डॉक्टर साहब ने मेरे को कॉल किया, तो उन्होंने बताया देखो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में क्या है कि अभी आपका सेकेंड स्टेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको ट्रीटमेंट ये लेना है, अगर आप पूरी तरह से ठीक करना चाहते हो तो आप हमारे आ जाइए, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तो फिर मतलब जो है अगस्त में यहाँ आया डॉक्टर साहब के पास, 4 अगस्त को मैं आया था यहाँ पर, 4 से 11 अगस्त तक मैं यहाँ रहा था, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे को चलने में बिल्कुल प्रॉब्लम मेरी मतलब वो खत्म हो गई थी, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान, फर्स्ट ट्रीटमेंट के दौरान ही होता, जो 7 डेज का ट्रीटमेंट मैंने लिया था, तो विद इन 7 डेज ही मुझे जो इतना अच्छा लगा था कि मेरी लिम्पिंग खत्म हो गई थी, और जो हल्का सा पेन रहता था चलने में, तो कोई इतना दर्द महसूस नहीं होता था। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर गया मतलब जो है 11 अगस्त को जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये कुछ एक्सरसाइज है, इनको डेली फॉलो करिए, और कुछ जो है डाइट प्लान दिया था डॉक्टर साहब ने, तो मैं डाइट प्लान के साथ में और उसी के साथ में ही मैंने मतलब जो करीब 3.5 महीने तक कंटिन्यूस किया है। तो डाइट प्लान और एक्सरसाइज आपने प्रॉपर फॉलो किया है? प्रॉपर मैडम मैंने प्रॉपर मतलब फॉलो किया है, डाइट प्लान कभी हल्का पतला थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम मतलब जो है मतलब 99% मैंने किया है, तो उससे मेरे को मतलब जो 3.5 महीने में इतना फायदा हुआ, जब मैं यहाँ अभी सेकेंड विजिट पर आया, ठीक है, 29 नवंबर को, तो डॉक्टर साहब भी इवन मतलब देख के और जो भी यहाँ का स्टाफ है हमारा जो है जो हमारा ट्रीटमेंट करता था जी जी। तो उन्होंने फर्स्ट सेकंड डे में ही मुझे बता दिया था कि आपके पैर का मूवमेंट एकदम परफेक्ट आ रहा है, आपने मतलब इतनी अच्छी एक्सरसाइज किया हमें ये लगता है लाइक ए नॉर्मल पर्सन। और अभी भी जैसे हम यहाँ पर बाहर बैठते हैं और पेशेंट के साथ हम बात करते हैं, तो सभी पेशेंट ये कहते हैं कि आपको तो लगता ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अटेंडर हैं। हाँ, क्या हमको ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी के साथ आए हैं,
तो मैंने मैंने सब पेशेंट्स को बताया, यही मैंने बताया, बोले देखो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन से, और मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट कहीं पर इंडिया में मिलेगा नहीं इसका। अच्छा, अभी सारे मूवमेंट्स आपके हो रहे हैं प्रॉपर? मेरे सारे मूवमेंट प्रॉपर हो रहे हैं अभी, मैं इवन मतलब जो है क्रॉस लेग बैठ बैठ मतलब बैठ पा रहा हूँ, और मैं तो पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं तो बेड पे आराम से बैठ पाता हूँ क्रॉस लेग करके, और मेरा लेग पूरी फोल्ड हो रहा है, एक्सरसाइज पूरी पूरी मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज मेरी आ रही है, प्रॉपर एक्सरसाइज आ रही है। अभी अभी मैं डॉक्टर साहब से भी मतलब मीटिंग हुई थी मेरी, डॉक्टर साहब ने बताया है कि अभी आप ऐसे ही फॉलो करिए, दो तीन महीने और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। अच्छा, बाकी पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको बहुत टाइम हो जाता है कि वो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उनको क्या बताना चाहेंगे? ऐसे ही मतलब बहुत दिन तक मुझे नहीं पता चला था, मैं मतलब काफी दिन तक उधर घूमता रहा, देखता रहा, होम्योपैथिक में भी मैं गया था, दो तीन महीने होम्योपैथिक ने भी मेडिसिन दी थी, लेकिन कोई वो नहीं हो रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं अभी जो भी हमारे पेशेंट हैं मतलब जो है इसके जो है एवियन के जिसको भी होता है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत जल्दी से जल्दी जिसको ठीक होना है और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, तो वो बिल्कुल एकदम मतलब जो डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान जी से कॉन्टैक्ट करें, उनका वीडियो देखें यूट्यूब में देखें, और उनसे मतलब पर्सनली कॉन्टैक्ट कराएँ। डॉक्टर साहब का और स्टाफ का यहाँ का इतना अच्छा बिहेवियर है, तुरंत कॉल करते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठ पाता है तब भी वो उनका मतलब जो हुआ आता है कॉल बैक आता है, और जो भी फीडबैक आती है रिवर्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी रिवर्ट करते हैं, मेल आईडी पे भी रिवर्ट करते हैं हम लोगों को, और मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब का, खुद भी डॉक्टर साहब कराते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आयुर्वेद के बारे में अब आपकी और क्या विचार है? आयुर्वेद के बारे में मुझे इतना अच्छा लगा है कि अभी तक मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग ये है कि आदमी जो है एलोपैथिक पे ही जाता है, एलोपैथिक जाएगा और मतलब जो है होम्योपैथिक जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ये लगा है कि मतलब जो है आयुर्वेदिक भी एक बहुत अच्छा वो ट्रीटमेंट है जो कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है, है नहीं? ऐसे नहीं है कि आयुर्वेदिक में उन्होंने जो एलोपैथिक में मेडिसिन दी, 8 दिन दवाई खाई और 4 दिन ठीक रहा, फिर दोबारा हो गया, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आयुर्वेदिक जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आज के टाइम में आयुर्वेदिक है, और मैंने देखा है मतलब जो है आसपास के लोगों में जो भी है तो आयुर्वेद को बहुत लोग फॉलो कर रहा है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और इससे मैं तो बिल्कुल एकदम फिट हूँ। कल से मुझे ऑफिस जाना है, कल से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, आज रात को घर पहुँचूंगा आगरा में, तो कल से मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।